संबल हाईवे जंक्शन हुआ है, संबल चंदौसी हाईवे। जूनाखाड़ा पंचदश नाम जूनाखाड़ा। नहीं महाराज जी, आज इस मंदिर को में क्या हुआ? मंदिर पे ये हुआ कि यहाँ 10 बजे मूर्ति के लिए बिना अनुमति के बिना व्यवस्था के दमंग जी से तोड़ दिया गया। फिर उस पर हमारी हम शिकायत करने के लिए संत लोग कहीं नहीं जाते हैं, संत लोगों का कोई व्यवहार नहीं होता, कहीं पुलिस में जाते हैं हमारी बदनामी होती है, इसलिए हमने अपने भक्तों को ले इतला करी, भक्तों ने हमने ले करके जब हमारी कोई नहीं बचाई तो हमने जाम लगाया। यहाँ पर जाम में इंस्पेक्टर और थाने से आए व्यक्तियों ने, ये सब लोग आए, फिर इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? इन्होंने आश्वासन दे करके हमें जेई के लिए, एक जेई के लिए बुलाया, जेई ने अपने शान किए, उसने अपनी फुल जिम्मेदारी पर यहाँ पर ये मंदिर है इससे अच्छा मंदिर 19-21 करा कर देने के लिए कितने दिन का टाइम दिया है उन्होंने? सही कराया, 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन के अंदर मंदिर के लिए तैयार कराने का वादा दिया। और ये मंदिर नीचा बना हुआ है, ये मंदिर दूसरा के ऊंचाई से बनेगा। कितने घंटे जाम लगाया था आप लोगों ने? घंटे का 3 घंटे जाम लगाया। तो ये जो मूर्ति हटाई गई है, क्या आपको सूचना नहीं दी गई थी? ये सूचना हमारे पास दमंगी में जो हटाया गया है, हमारे मंदिर मेरे तोड़े हैं। तो अब मंदिर को लेकर आपको मूर्तियों को लेकर क्या आश्वासन दिया गया? अभी हमें मंदिर को लेकर के ये महाराज जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ बेसिकली रोड का एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको लेके बगल में निर्माण हटाना था, लोगों ने विरोध प्रकट किया था, जाम वगैरह लगा दिया था, उस सूचना क्या हो गया? कितनी देर जाम लग रहा है? जाम हमें लगता है 10-15 मिनट लगा। क्या क्या विवाद? विवाद कुछ नहीं, रोड का एक्सपेंशन होना है, तो रोड के एक्सपेंशन में जो रोड के किनारे पूर्व के निर्माण है उनके शिफ्टिंग को लेके है। अब बातचीत से वो सब पहले से तय था, जो शिफ्ट करना है उसी रूम में कर देना है, ठीक। बस ये है कि उसमें कुछ लोगों को चूँकि उस सहमति के बारे में पता नहीं था, उनको लगा कि बिना सहमति के कराया जा रहा है, इसलिए उन्होंने विरोध प्रकट किया। अब जानकारी जब सबको दे दी गई तो कोई विरोध नहीं। ऐसा कोई सुनने में भी आया थोड़ी बहुत तोड़फोड़ भी हुई है? नहीं, तोड़फोड़ नहीं। देखिए ये जो भी ऐसी सूचना है ये।